कमाल है दामाद जी, आपने एक सिक्के से तीन सिक्के कैसे बनाए? मम्मी, ये कोई जादू वादू नहीं था। रोहित भैया और पापा की जेब में पहले से ही वो सिक्के थे। और दीदी के बैग में भी। आप लोगों को कहां से मिले सिक्के? अरे मिले तो मिले, और परिवार वालों से छुपाए भी। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अम्मा मैं बताने ही वाला था। अरे हम भी बताने के लिए नीचे आए थे ना यहाँ पर। अरे क्या बताने वाले थे, कोई मुझे बताएगा? मैं बताती हूँ मम्मी, अजीब है लेकिन सच भी यही है। कुछ कुछ जगह में सोने के सिक्के मिले हैं। एक मिनट एक मिनट, चवन्नी अट्ठन्नी होती तो फिर भी समझ लेते, ये तो सोने के सिक्के हैं हमारे घर में। हाँ मम्मी, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ये सिक्का मेरे कमरे की दीवार से गिरा हुआ मिला। हाँ मम्मी, मुझे भी ड्रेसिंग टेबल के पीछे से मिला है। और मुझे वहाँ आंगन के दीवार के पास। ऐसा हो कैसे सकता है, हमारे घर में सोने के सिक्के? वही तो, इस घर में गोल्ड के नाम पे सिर्फ सासू माँ के गोल्डन हार्ट मिलते थे, अब तो पूरा घर ही गोल्ड का हो गया। और इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने यह घर वो ग्वालियर के राजा के खजांची से खरीदा था। शायद उसने ही दीवारों में ये सोना छुपा कर रखा होगा। लेकिन इतने सालों से नहीं मिला, आज अचानक सिक्कों की बरसात कैसे? शायद लक्ष्मी माँ की यही मर्जी, वो हमें खजाने के बारे में बताना चाहती, शायद उनका ये संकेत हो। हाँ। चॉकलेट तो नहीं है? हट, अरे का? ये तो खरा सोना है। पर ये आपका नहीं है, क्योंकि ये घर आपका नहीं है, हमने साइन करा लिया था ना पेपर में। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में जगह जगह सोना गड़ा हुआ है। अरे वैभव, तू जरा ये सोच कि अगर इतने सिक्के मिले हैं तो इन घर की दीवारों में कितने सिक्के गड़े होंगे यार। अरे हाँ, हम लोगों को घर के कोने कोने में ढूंढना चाहिए। क्यों? हाँ, पर ये और भी सोना मिलेगा तो उसका करेंगे क्या हम लोग? अरे क्या करेंगे जीजे, मतलब आपस में सब इक्वली बांट देंगे ना यार। हाँ? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे भैया, अभी बंटवारे की बात, पहले पता तो चलना चाहिए। भैया, हर बार अपना ओपिनियन देना जरूरी है क्या? सासू माँ, सोना संभाल के रखिएगा, आजकल बहुत चोरी होने लगी है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सासू माँ, अरे वो सब छोड़ो, चलो पहले सिक्के ढूंढते हैं हर एक कोने में। चलो चलो ढूंढते ढूंढते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आया तो। हमारे घर में ये सोने के सिक्के मिलना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। है तो बड़ा अजीब मम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा, आप ठीक कह रही हो, ये ना लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद ही है। सालों से मैं इस घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही थी, शायद यही तरीका है माँ का हमें समृद्ध करने का। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। अगर तुम यहाँ होती ना अलग तो तुम्हारी आंखें फटके बाहर गिर जाती। अरे पर आए कहां से, सेब से इतना पैसा कमा लिया क्या? वो छोड़ो, जो भी हो, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ना सारे सोने के सिक्के लेकर भाग जाऊं। वैसे भी रोहित हमें बंटी पब्ली तो कहता है, तुमने तो बंटी वाला काम कर दिया, अब मेरी बारी है ना। अरे यार, मेरे सर पे बाल कम है, तुम्हारे तो लंबे लंबे बाल है, तुम तो अच्छा सोचो, मेरी तो सोच रही हो। अरे तुम्हारे सामने सोने की मुर्गी है, तुम दो चार अंडे लेके भागना चाहती हो? अरे सोचो, जब इतना सोना मिला है तो और भी होगा, पता नहीं कहां कहां गड़ा होगा। करेक्ट, अगर ये घर अपना हो गया तो इस घर में जितना सोना है वो सारा का सारा हमारा हो जाएगा। नहीं तो टाइम पास मत करो, सोचो कुछ जुगाड़, सोचो कैसे घर हड़पोगे। वही तो, कोई आइडिया ही नहीं सूझ रहा।
एक सॉलिड आइडिया आया है। जल्दी आ गया अलग, अपना सामान पैक करो। अब से इस घर का एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस होगा। अब देखो सविता और उसके पूरे परिवार को कैसे इस घर से गेट आउट करती हूं मैं। सही है, सामान बांध लूं। दामाद जी थोड़ा और अंदर जाइए। क्या डैडी जी, थोड़ा और करके बेसमेंट बनवाएंगे क्या? थोड़ा और करूंगा ना तो पानी निकल आएगा यहाँ पे, हैंडपंप लगा सकते हैं यहाँ पे। अरे हो सकता है अंदर और सोने के सिक्के हो अंदर। चाहिए हेलो, आप अलग तोशीवाल के छोटे भाई निरंजन बोल रहे हैं ना? जी कहिए। आपके भाई यहाँ सड़क पे बेहोश पड़े हुए हैं, बस आप जल्दी से आ जाइए। उनके फोन से नंबर निकाल के आपको कॉल किया हूँ। क्या भाई साहब बेहोश पड़े सड़क पे, कहाँ किधर? यही मार्केट के चौक पे, बस आप जल्दी से आ जाइए। मैं अभी आया। वैभव, सविता। क्या डैडी जी, आपके डियर ब्रदर बेहोश हो गए? भाई साहब वहाँ मार्केट में बेहोश हो गए। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, पर जैसे भी है तो मेरे पति ना, भगवान करे कुछ ना हो। दीदी आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा जीजा जी को, माँ सब ठीक कर देगी। आप अंदर चलिए, चलिए अंदर। ये लो 50 रुपए और दिन की बारिश करो। ठीक है, झूठ बोलने के मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन सच में फ्री में बोलता हूँ। आने दो आपके भाई को, सब मैं सच सच बता दूंगा। यार तो यार मजाक, नाराज हो गए यार। 50 रुपए दे रहे हो। रुको रुको, ओ तेरी किस्मत झाक गई, ये ले 200 रुपए। अब देख, अब मुंह मत खोलना, हमारी पत्नी ने इस पर खर्चा नहीं दिया है ना, ये तू रख ले। और देख अगर किस्मत अच्छी रही ना तो तुझे मैं गोल्ड का सिक्का दूंगा, ये ले ना यार। अरे वो लोग आ गए, अरे अंकल को क्या हो गया? अरे बचाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। पापा ताऊ जी, आराम से भाई। अरे पानी ला पानी। भाई साहब, ताऊ जी, पापा, ताऊ जी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। आप इनके छोटे भाई हैं, मैंने ही कॉल किया था। थैंक यू सो मच। पर ताऊ जी को हुआ क्या? अचानक सड़क पे बेहोश हो गए थे। कैसे परिवार वाले हैं आप लोग? हालत इतनी पतली थी तो घर से बाहर निकलने ही क्यों दिया? पापा इनको ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलिए। अरे मदद कीजिए, चलिए मदद कीजिए प्लीज। चौथे क्या हुआ है? आप लोग यहीं पे रुकिए, पहले हमें इन्हें चेक कर लेने दीजिए कि हुआ क्या है। पर ये बच जाएंगे ना डॉक्टर, संभालिए इनको डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी चलिए, प्लीज टेक इट फास्ट, टेक इट फास्ट, बचा लीजिएगा डॉक्टर। भाई जी डॉक्टर, दीदी संभालिए अपने आप को। सरता ये बच जाएंगे ना, सरता ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, भाई साहब को क्या हुआ है? आप आइए मेरे साथ।
साहब क्या हुआ भाई साहब को? आपके बड़े भाई को हार्ट अटैक आया है। अभी तो हमने उनकी जान बचा ली है, लेकिन उनका हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर है। इस हार्ट के साथ वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें जल्द से जल्द उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी करनी होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट? डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए पर मेरे बेटे को बचा लीजिए बस। पर इस ऑपरेशन में तो बहुत पैसा लगेगा ना डॉक्टर? डॉक्टर साहब ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी थोड़ी महंगी होती है, लगभग 30-35 लाख का खर्चा होगा। 30-35 लाख? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, और सर्जरी हमें एक हफ्ते के अंदर ही करनी होगी, वरना बचा नहीं पाएंगे हम पेशेंट को। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे पति को बचा लीजिए। दीदी दीदी संभालिए अपने आप को, लक्ष्मी माँ पे भरोसा है ना, वो सब ठीक कर देंगी, सब ठीक कर देंगे। कैसे दिन दिखा दिए भगवान, अब कैसे जान बचाऊंगी उनकी? 35 लाख रुपए, इतने पैसे तो मैंने एक साथ देखे तक नहीं। मेरे गहने ले लीजिए, ये गहने, और इनका भी क्या फायदा, ये भी तो नकली है, सोना भी तो नहीं है मेरे पास, घर भी तो किराए का है, न सोना है न घर है न पैसे है, कैसे बचाऊंगी इनकी जान? एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता कि अपने बेटे को अपने सामने जाता हुआ देखे। जब आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की थी, तब तो निभाया आपने इतने आंसू दादी। माया, तुम अम्मा से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन बीती बातों को दोहराने का ये समय नहीं है। इस वक्त सवाल चीचा जी की जिंदगी का है। हाँ तो मम्मी कीजिए ना हवन पूजा पाठ, जो आप करती हैं उसी से बचा लीजिए ना ताऊ जी की जान भी, क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं आप लोगों के पास जो इतनी महंगी सर्जरी करवा सके। माया, जबान संभाल के बात करो, तुम्हें पता है तुम कहाँ बात कर रही हो ये सब, और दादी का? और क्या करूँ, क्या गलत कह रही हूँ मैं? माया समझने की कोशिश करो, ये जगह नहीं है। चुप रहो तुम दोनों। भाई साहब की जान को खतरा है और तुम लोग, ये कोई समय नहीं है ये सब बातें करने का, झगड़ा करने का। ये समय सिर्फ जीजा जी की जान बचाने के बारे में सोचने का है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सासू माँ पैसे तो है नहीं हमारे पास, लेकिन वो सोने के सिक्के हैं ना, उससे हो जाएगा? नहीं जीजा, उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने हिसाब लगाया, वो सभी सिक्के मिला के भी 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो रहे। हमें तो यहाँ 35 लाख रुपए देना है। वैभव, तू बोल रहा था ना कि घर में सोने के सिक्के मिलने के बाद हमारे घर की कीमत तिगुनी चौगुनी हो गई। अम्मा, क्या आप घर बेचने की बात कर रही हैं? अरे पापा, घर बेच देंगे तो मतलब ले दे के एक घर ही बचा है हमारे पास, तो हम लोग कहाँ रहेंगे फिर? नहीं, आप लोग रहने दीजिए,
आप लोग मेरे लिए अपना घर क्यों बेच रहे हो? मेरे नसीब में जो लिखा होगा वो तो होके रहेगा, आप इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? अरे मैं दुआ बनना लिखा होगा तो वहीं से। अरे चुप कर, तेरा पति होने के पहले मेरा बेटा है वो। ये घर तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत से खरीदा था, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। अम्मा सही कह रही है, इस वक्त जीजा जी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें घर बेचने की जरूरत क्या है। अरे घर गिरवी भी तो रख सकते हैं ना। ये भी सही है। मम्मी जरा इधर आना। मम्मी मैं ये नहीं कह रही कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। मुझे लगता है हमें एक और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। पापा एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को जानते हैं, उनकी भी राय ले लेते। बहू सही कह रही है, एक क्यों शहर भर के डॉक्टरों को बुला लो, उनकी भी राय ले लो, इसकी भी तो तसल्ली होनी चाहिए। नहीं ताई जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, कि वक्त ही नहीं है उनके पास। वो तो डॉक्टर की कमेटी बुलानी है, फिर चाहे जितना वक्त निकल जाए, साथ साथ वो भी क्यों ना निकल जाए। अरे शुभ शुभ बोलना। तो क्या करूँ अम्मा, मेरे पास कुछ होता तो सब कुछ देकर उनकी जान बचा लेती, पर क्या करूँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। ताई जी, ताई जी सुनिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब होती जा रही है, उनका हार्ट कभी भी फेल हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी। अरे पर डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? देखिए, हम सर्जरी में देरी नहीं कर सकते। फिलहाल आपके पास जितना पैसा है आप वो जमा करा दीजिए, बाकी आप बाद में जमा करा दीजिए। और ये कंसर्न फॉर्म है, इस पर साइन कर दीजिए। पर इस पे तो उनकी पत्नी की साइन होनी चाहिए ना। देखिए, आप जितनी देर करेंगे उनकी जान को उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। वैसे तो आप उनके सगे भाई हैं ना, कंसेंट फॉर्म पे आप भी साइन कर सकते हैं। तू कर दे। ठीक है डॉक्टर साहब, लाइए पेपर्स। एक बार पढ़ तो लीजिए। हॉस्पिटल के रेगुलर डॉक्यूमेंट्स में सर्जरी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, बस यही सब लिखा है। बाकी आपको पढ़ के आधा घंटा और खराब करना है तो सोच लीजिए, लेकिन आपके भाई की हालत बहुत खराब है, सोच लीजिए। ठीक है लाइए पापा। लेकिन श्रेया, भाई साहब की जान को खतरा है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। षड्यंत्रों का जाल बिछ चुका है लक्ष्मी, और इसमें से सविता का बच के निकलना असंभव है। अत्यंत दुख की बात है लक्ष्मी, सविता के पति ने स्वयं ही बर्बादी को न्योता दे दी।
पल में हूँ शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम।